किचन कुक 4 में आपका स्वागत है। आज अपनी वीडियो में हम आपको सोल मच्छी कटिंग मैगनीसन और पकाने का तरीका बताएंगे। दोस्तों आप हमारी वीडियो शुरू से आखिर तक देखते जाइए, स्टार्टिंग में आपको कटिंग दिखाएंगे, उसके बाद में मैगनीसन, सरिया भर करके कैसे पकाया जाता है। दोस्तों आज ये हमारी नई रेसिपी बहुत ही गजब की रेसिपी है, तो हमारी वीडियो को कम्प्लीट देखते जाइए। तो आप देख रहे हैं यहाँ से हमने सोल मच्छी लिया हुआ है, इसको आपको किस तरीके से कटिंग करनी है आप देख सकते हैं। वीडियो में ये हमारा तरीका, आपको इसी तरीके से जो है इसके पीसेस कटिंग कर लेने हैं और पीस के साइज़ हम आपको दिखाएंगे कितने परफेक्ट आप देख सकते हैं। और ये हमने थोड़ा सा पीस कट करके रखा हुआ है, ये पीस जो है बहुत परफेक्ट है, ये पकाने में बहुत अच्छा रहता है। आप इस तरीके से पीस कटिंग करेंगे तो आपका पीस जो है सरिया में भरने के बाद में गिरेगा नहीं और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पक जाएगा। तो पूरा आप देखते जाइए इस तरीके से जो है आपको कटिंग कर लेना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो है हम कटिंग कर रहे हैं, आपको इसी तरीके से है कटिंग कर लेना है। तो आपने देखा अभी तक हमने कटिंग करके दिखाया पीसीस और साइज, जैसा आप देख रहे वीडियो में हमने ये 2 किलो सोल मछली कटिंग किया। अब इसको हम मैगनीसन करेंगे और आप देखते जाए वीडियो में मैगनीसन में क्या क्या चीज़ें और कितनी कितनी डालेंगी हम डाल के मतलब आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 बड़ा चम्मच हमने अदरक लहसुन पेस्ट लिया हुआ है और 2 चम्मच मिर्ची पेस्ट है, 1/2 चम्मच सादा नमक है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1/2 चम्मच अजवाइन है, 1/2 चम्मच वाइट पेपर, 1 चम्मच काला नमक, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल दे रहे हैं। और उसके बाद में आप देख रहे हैं ये राई का तेल यानी सरसों का तेल भी बोला जाता है, इसके अंदर हम 50 ग्राम डाल दिए। दोस्तों ये जो है 2 किलो फिश मैगनीसन का तरीका है। अब इसको हम हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स कर देंगे। और ये उसके ऊपर हम 50 ग्राम विनीगर, इसको सिरका भी बोलते हैं, वो लास्ट में हमने इसके अंदर ऐड किया। और ऐड करने के बाद में आपको तो अच्छी तरीके से हल्के हाथों से इसको मिक्स कर देना है। तो हम इसको आगे चलो जरा हो जाए तो नहीं। तो हमने यहाँ पे आपको मैगनीसन करने का तरीका बताया, तो ये हमारा मैगनीसन हो चुका है। अब इसको हम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद में सलिया में भर करके आपको पका करके दिखाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा कटिंग और मैगनीसन का तरीका, और आगे आप देखते जाइए। तो अभी हम आपको फिश का मसाला बना करके दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 500 ग्राम दही लिया हुआ है और इसके अंदर क्या क्या मसाला डाला जाएगा आपको हम दिखा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है 1 बड़ा चम्मच है, और ये जीरा पाउडर ये 1/2 चम्मच, ये गरम मसाला 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच वाइट पेपर, 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें हम पहले इसके अंदर डाल दे रहे हैं। और उसके बाद में आप देख रहे हैं ये राई का तेल यानी सरसों का तेल भी बोला जाता है, इसके अंदर हम 100 ग्राम इसके अंदर डाल दिए। और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मिर्ची का पेस्ट लिया हुआ है, इसको भी हम 2 चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे। दोस्तों मसाला थोड़ा तीखा और चटपटा होना चाहिए, इसके लिए ये मिर्ची पेस्ट और मिर्ची पाउडर का डालना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको 2 चम्मच डाला यहाँ पर। और उसके बाद में आप देख रहे हैं
ये अदरक लहसुन पेस्ट, इसको जीजा गार्लिक पेस्ट भी बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे एक चम्मच इसके अंदर डाल दे रहे हैं। और डालने के बाद में क्या करना है आपको, हुई से इस तरीके से मिला देना है। और इसके बाद में हम लास्ट में इसके अंदर एक चीज़ और डालेंगे, वो है हमारा, और यहाँ पर सारा मसाला डालने के बाद में हम आधा टुकड़ा नींबू इसके अंदर डाल दे रहे हैं। इस तरीके से आपको इसको निचोड़ देना है। और उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने ऑरेंज रेड कलर लिया हुआ, ये खाने वाला कलर है, इसको आप कलर के हिसाब से इसके अंदर डाल सकते हैं, आपको कितना कलर लगता है कितना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कलर डाला, कलर डालने के बाद में आप देख सकते हैं ये हमने इसके अंदर लास्ट में नमक डाल दिया। नमक क्या है दोस्तों, आप अपने टेस्ट अनुसार भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद में आप देख सकते हैं हम इसको किस तरीके से मिक्स कर रहे हैं, ये हमारा परफेक्ट कलर आ रहा है। आप चाहें तो कलर तेज भी कर सकते हैं, लेकिन चलने वाला कलर जो है यही है। आप देख सकते हैं कलर यहाँ पे कितना परफेक्ट आ रहा है, इसके हिसाब से हम थोड़ा सा कलर और तेज कर देंगे ताकि देखने में खूबसूरती लगे और अच्छा भी कलर आए। तो ये था हमारा तंदूरी फिश का मसाला बनाने का तरीका। अब आगे हम आपको जैसा बताया पीछे वीडियो में, अब आगे आपको सलिया में भर करके फिश पका करके पूरा रेडी करके स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। दोस्तों अभी तक आपने देखा हमारा फिश सॉल कटिंग मैग्नीशन करने का तरीका, अब हम आपको सलिया में भर करके पूरा रेडी करके दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको मसाले में डालकर इसी तरीके से पूरा अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना, मिक्स करने के बाद में आपको सलिया में इस तरीके से जो है भरना है। तो आप देख रहे हैं ये है हमारा भरने का तरीका। आप बीच में उंगली लगा करके ऐसे भरेंगे तो गैप रह जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं हमारी उंगली बीच में फंसी हुई है, इस तरीके से आपको भरना है। तो ये था हमारा भरने का तरीका। अब हम इसको सलिया में भर लिए, अब तंदूर में पका करके आपको रेडी करके दिखा रहे हैं, तो देखते जाइए आगे। ये हमने तंदूर में अब रेडी करके आपको वीडियो दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फिश हमारा यहाँ पे हाफ डोम हो चुका है, अब पूरा हम रेडी करके आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा हाफ डोम हो चुका है, बस दो मिनट में पक करके बाहर आ जाएगा, आप देखते जाइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा सोल फिश पक करके एकदम तैयार हो गया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कितना परफेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक पका हुआ है। अब हम बहुत ही आसानी के साथ में आगे का हिस्सा इस तरीके से आप सलिया में साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद में बहुत ही आराम से आपको इस तरीके से जो है निकालना है, क्योंकि ये फिश का आइटम है दोस्तों, बहुत ही सॉफ्ट होता है, अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका फिश जो है कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम किस तरीके से पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कितना परफेक्ट हमारा पीस पक करके आया हुआ है। अब इसको इंजॉय करने के लिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला डाल रहे हैं, और इसको इसके ऊपर आप थोड़ा सा नींबू
इस तरीके से पीस के ऊपर एक से दो बूंद डाल सकते हैं। उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने अमूल बटर लिया हुआ है, इसके ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा लगा देना है। तो दोस्तों हमारा सोल फिश बन करके एकदम तैयार हो गया है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों सबका साथ सबका विकास। दोस्तों इस पे सबका विश्वास है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस बेल आइकन वाली घंटी को ऑल करना। इससे क्या होगा, जो नई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा दोस्तों। और कुकिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे वीडियो लेन में देख सकते हो दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। शुक्रिया दोस्तों।